अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल लवली व्यूअर्स, दिस इज मारफा नवाज अहमद एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है शबे बारात का दूसरा दिन और मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में दिखाई दिया कि मैंने शबे बारात कैसे मनाया। तो दोस्तों, हम लोग रात भर बैठकर इबादत करते हैं और दूसरा दिन रोजा रखते हैं, तो आज मैं रोजे में हूँ और मैं जा रही हूँ अफ्तार का प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए वो सारी चीजें आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अभी तो बात करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है ना दोस्तों, तो चलिए डायरेक्ट मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ किचन में और चलकर दिखाती हूँ कि वहां पे मतलब हम लोगों का क्या तैयारी हो रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इफ्तारी जो है ना, इफ्तारी का जो प्रिपरेशन है या इफ्तारी जो है ना, वो यहाँ नहीं होगा, मेरी दादी के घर पे होगा। तो मैं वहां जा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ वहां पे। तो ना भाई, जिस चीज़ को बनने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर होता है भिगो कर रखने में फिर इसको बनाने में, तो मैंने सबसे पहले तप्पी से कह दिया है कि आप उसे ही बना लो, उसके बाद में दूसरा कोई चीज़ जो है ना वो बनाया जाएगा। तो बनाने के बाद ना मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और इसके साथ हम लोग सलाद भी खाते हैं, तो उसको भी निकाल रहे हैं। एंड चना के बाद में यहाँ पर थोड़ा फल को सजाया जा रहा है, खजूर जो मस्ट होता है रहना। मतलब अगर आप रोज़े में हो तो सबसे पहला चीज़ जो आप अपने रोज़े को खोलोगे, मतलब ठंडा करोगे अपने रोज़े को, तो वो होता है खजूर। तो ये देखिए, यहाँ पे खजूर है और ब्लैक ब्लैक ग्रेप्स है, मतलब काला अंगूर है, और यहाँ पे केले को छोटे छोटे पीस में काटा जा रहा है और एक प्लेट तैयार किया जा रहा है। ये प्लेट में तीन आइटम और दूसरे प्लेट में अलग से फिर दूसरा आइटम होगा, दिखाती हूँ वो भी। रोज़ा तो दोस्तों नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, गर्मी बहुत तेज़ है। अगर हाँ बाहर निकलती और कुछ काम वगैरह अगर हेवी होता ना, बाहर जाके व्लॉगिंग करने का या फिर कोई दूसरा काम जो मतलब बाहर जाके होता है, तो श्योरली वो तो गर्म लगता ज़रूर और साथ में रोज़ा भी लग जाता। तो इसलिए घर में हूँ तो रोज़ा का पता नहीं लगा है। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो लुक एट हियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और ये देखिए फिर यहाँ पपीता कट रहा है दोस्तों, और उसके बाद में ये अंजीर। मतलब ये सारे तो नेसेसरी फल है ना, अगर आप रोज़े में हो तो ये सारे फल तो आपके प्लेट में होने ही चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने प्रिपरेशन करना शुरू किया है शरबत का, और रसना के पैकेट को काट दिया है और रसना निकाल कर हम लोगों ने रसना भी तैयार कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद में ना फ्रेंड्स, कढ़ाई चढ़ाया है। अब पूछिए कि कढ़ाई क्यों चढ़ाया है? कढ़ाई इसलिए चढ़ाया है ना दोस्त, आप लोगों को खाना होता है ना रोज़े के वक्त में प्याजू या फिर एग चॉप या फिर चिकन चॉप या फिर कीमा चॉप, तो उसको पहले से पहले फ्राई करना बेहतर नहीं होता क्योंकि टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों का जब अजान में 15-20 मिनट बाकी रहता है ना, तब हम लोग इसको फ्राई करते हैं और फिर जब ये गर्मा गर्म निकलता है ना, तो उफ, उसका कलर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, इतना ज़्यादा इसका सुहाना लुक्स होता है ना कि मन करता है कि बस खा ही जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर तलाई हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये जो आप लोग देख रहे हो ना फ्राई होते हुए, ये एग चॉप है, होममेड एग चॉप। यार अंदीना तो होममेड एग चॉप नहीं बनता है मेरे घर में। हाँ, प्याजू ज़रूर बन जाता है, बैगनी ज़रूर बन जाता है और समोसा भी बनता है फ्रेंड्स, लेकिन एग चॉप बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है क्योंकि आलू बॉयल करो, एग बॉयल करो, उसके बाद में उसको भरो, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। एग चॉप के बाद में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये जो दिखा रही हूँ ना, ये प्याजू है, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में ऐसे आपको चपटा करना है हाथ में, और फिर एकदम गरम खौलता हुआ तेल में इसको डाल देना। एकदम एकदम भी गरम मत कर लेना वरना तो आपका प्याजू जल जाएगा। बस हल्का, मतलब अच्छा खासा तेल जब गरम रहे तभी आप डालो। ये देखो कैसे छनछना रहा है, वाह ज़बरदस्त, बहुत ही खूब। ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर हो रहा है, एकदम गोल्डन लाइट ब्राउन कलर। जलाना नहीं है दोस्तों, बस आपको चलाते रहना है। और ये देखिए, जब कड़कड़ा सा हो जाए ना, मतलब खन खन सा आवाज़ आने लग जाए ना, बस आप उस वक्त इसको निकाल लो और फिर सर्व कर दो। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी दादी के घर में इफ्तार करने के लिए, और इतना ज़्यादा आइटम बना हुआ है जैसे कि लग रहा है कि तप्पी ने आज ही मतलब रमज़ान मना लिया है। मैं आप लोगों को वन बाई वन करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा आइटम है। चलिए दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ ना दोस्तों, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। ये पपीता, ये अंजीर, यहाँ पे केला, अंगूर, खजूर, यहाँ पे है तरबूज। ये तो ना दोस्तों, ये तो इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि मतलब आप खा लो तो बस आपका पूरा कलेजा और जो गला है ना वो तर हो जाता है। ये तो एकदम मस्ट हैव है रमज़ान के वक्त में। फिलहाल आज रमज़ान नहीं है, बस रोज़ा तो है ना दोस्तों, इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखिए सैलड, ये देखिए प्याजू, और ये देखिए यहाँ पे पक्का और कच्चा चना दोनों, और ये देखिए यहाँ पे अंडा चॉप, और ये देखिए ये छोटे साइज का प्याजू है, प्याजू कह लो, और ये बड़े साइज का प्याजू,
और यहाँ पे मोमो, मोमो के साथ यहाँ पे टोमेटो का चटनी दिखा देती हूँ आप लोगों को उठा के। और तुम क्या ला रही हो, तुम क्या ला रही हो वहाँ से? एक और शरबत भी आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए शरबत, किस चीज़ का शरबत है भाई? रसना लग रहा है, वेरी नाइस। बर्फ, किस चीज़ का शरबत है? रसना, वेरी गुड। और दादी सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है दादी देखते देखते। और ये अहमद आ गए हैं बैटिंग करने दादी को छेड़ते हुए। तुम्हारा नहीं शरबत है? मतलब शरबत के अंदर बर्फ देखकर तो इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना दोस्तों। अभी तो मई जून का घटिया वाला गर्मी बाकी है, और उस वक्त तो जो रमजान में रोजा रखा जाएगा ना, तो अच्छा से पता लगेगा कि रोजा किसको कहते हैं। सही रखो, अभी से क्या खा रहे हो? अजान, अजान हो जाएगा तब खाना रखो। अरे अरे अरे, चटनी तो बना हुआ है दोस्तों टोमेटो का, लेकिन फिर भी मुझे टोमेटो सॉस चाहिए, क्योंकि मतलब प्याजू है और अंडा चौंप है, तो टोमेटो सॉस बनता है ना। तो और निकालो, और निकालो। अब ये जो सारे आप लोग फल देख रहे हो ना, अंगूर, हलवा और खजूर और तरबूज और बहुत सारे मतलब फ्राई सामान, ये जो सारे आप लोग देख रहे हो ना, ये बेसिकली मेरी मम्मी के घर का है इफ्तार। मैं अपनी मम्मी के घर नहीं जा पाई हूँ इफ्तार के लिए, क्योंकि मैं दादी को पहले बोल चुकी थी कि मैं इफ्तार आप लोगों के साथ करूँगी, तो मुझे पता नहीं था कि मम्मी भी रोज़ा रखने वाली, क्योंकि उनका तबीयत ज़रा ठीक नहीं रहता है। और बेसिकली सारे मुसलमान जो होते हैं ना, वो इस वक्त के इंतज़ार में होते हैं कि रोज़ा रखना है रखना है, तो मेरी मम्मी ने फाइनली रोज़ा रख ही लिया, हालाँकि उनका तबीयत सही नहीं रहता। देखिए अभी बैठकर मुस्कुरा रही हैं, अभी देखना अभी खा पी करके ना मतलब तबीयत खराब कर लेंगी, सर्वर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा इनका। बस इनका ऐसे ही है कि सर में दर्द हो जाता है दोस्तों। वो खाना पीना इनको कुछ नहीं है, बस खाली पानी पीती जाती हैं पीती जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारे सामान। अब ना एकदम अजान का वक्त हो चला है, तो मैं अब यहाँ से फुट लूँ ज़रा, मतलब मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ। बाय बाय मम्मी, अब मैं दादी के पास जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर इफ्तार करना है। भाई सारा प्रिपरेशन हो चुका है, आप लोग देख लो, यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई है इफ्तारी लेकर पूरा तैयारी। तो मैं यहाँ आई हूँ पर्टिकुलरली जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी इफ्तारी हो रहा है। रोज़ा रखा था शबे बरात के दूसरे दिन, तो ठीक है मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ, क्योंकि 2-3 मिनट में एकदम अजान होने ही वाला है। तो मैंने वहाँ पे बोल रखा है अपनी दादी को कि मैं उन लोगों के साथ इफ्तारी करूँगी, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। फिर चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और अज़ान हो गया दोस्तों मेरा वापस आते आते ही। और ये देखिए मैंने खाना शुरू कर दिया है, और खाते खाते भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को दिखा दूँ कि ये देखिए कितना अच्छा लगता है साथ में बैठकर इफ्तारी करने में। और मैं शरबत टानते हुए फ्रेंड्स, हाँ जी दोस्तों इफ्तारी हो गया है और हम लोग बैठे हुए हैं, और मेरा सर दर्द जो है ना वो ऑन हो गया है, तो मैं अब लगा रही हूँ मेंटो प्लस, क्योंकि ये मेरा साथी ही है। ठीक है, तो अब अभी तो शुरू हुआ है, मतलब अभी तो रमजान आया नहीं है, ये प्रैक्टिस है जस्ट। तो दोस्तों बात करने के अभी मैं कंडीशन में नहीं हूँ। तो भाई हो गया है सर दर्द, तो बत्ती बंद कर दीजिए, अब बत्ती बंद कर दीजिए, बाद में बात करती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं रेस्ट लेकर उठ गई हूँ, क्योंकि रोज़ा रख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा थक गई थी इफ्तार करने के बाद में, होता है ऐसा। तो मैं अब जा रही हूँ आलू का पराठा बनाने के लिए, तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे करके प्रिपरेशन करती हूँ। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है ना, वो आलू को छिलका से दूर कर दिया है मतलब आलू छील लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद में मैंने कुकर लिया है और उसमें पानी चढ़ा रही हूँ, साथ में नमक डालूंगी, ये देखिए थोड़ा सा, ताकि आलू अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद में आलू प्लेस करूंगी कुकर में, और फिर इसका लिड जो है ना वो बंद कर दूंगी। ये देखिए तकरीबन मेरे कुकर में तो 6 सीटी आने पर हो जाता है आलू बॉईल। और यहाँ देखिए प्याज को महीन महीन काट दिया है मैंने, और ये धनिया पत्ता को महीन करके काट दिया है। और यहाँ इस तरफ आप लोगों को दिखेगा ग्रीन मिर्ची, ग्रीन चिली महीन महीन सा काट दिया है। और जब तक आलू बॉईल हो रहा है दोस्तों, तब तक मैं यहाँ पे आटे का तैयारी कर लूँ। आटा और मैदा मिक्स है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है, और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि एक जगह नमक ना रह जाए। और फिर नॉर्मल पानी से इसको अभी आटा को सान लूँगी। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बन गया। चलिए देखते हैं आलू की तरफ के क्या हाल है। तो मैं छुरी गाँथ कर देख ले रही हूँ, यस गल गया है। तो अलग प्लेट में निकाल देती हूँ इसको।
और फिर छुरी से काट देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसलिए हाथ ना लगाएं, डायरेक्ट छुरी से काट लें या ग्लास से भी चूर कर सकते हैं। प्याज, मिर्चा, धनिया, नमक जो भी डालना है आप लोगों को इसी वक्त डालना है। और ये है गोलमिर्च और जीरा का पाउडर जो मैंने पहले से पीस रखा था, थोड़ा ज़्यादा करके दे देती हूँ। और ये देखिए, ये आमचूर पाउडर है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना कोई बात नहीं। मैश करने के बाद ऐसा लगेगा आपको आलू का भरता पूरा। और ये देखिए, फिर उसके बाद में मैंने रोटी का छोटा छोटा गोल बना लिया है और इसमें आलू भरूंगी। ये देखिए, यहाँ पे पोटैटो फिल कर दीजिए आप इसको, फिर उसके बाद में इसका मुंह जो है ना ऐसे करके बंद कर दीजिए, ये देखिए, और फिर इसको ऐसे गोल करके घुमा लें तो ये हो गया तैयार। थोड़ा सा खुश्की लगा दे रही हूँ ताकि अच्छे से ये मतलब थोड़ा टाइट हो जाए। उसके बाद में आपको ऐसे करके बेलना है इसको धीमे धीमे हाथ से राउंड राउंड करके। सो बेलाई तो हो चुका है, चलिए इसको तवे पे चढ़ाते हैं। और ये देखिए, मैंने चढ़ा दिया और सरसों का ऑयल लगा दिया है, क्योंकि मेरी तप्पी ने कहा था कि सरसों के ऑयल से मुझे फ्राई करके देना, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी बटर से, इसलिए हो गया है ये तैयार। फाइनली मैंने डिनर कर लिया है और साथ में पी लिया है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि इफ्तार हो गया, फिर आलू का पराठा भी हो गया, तो सब भारी भारी हो गया ना फ्रेंड्स। तो ठीक है, पता नहीं मुझे आज क्या हुआ था, 41-42 डिग्री कैलकाटा इंडिया में है आज, और मेरा पता नहीं क्यों डिसीजन हुआ कि आलू के पराठे खाने हैं। खैर, अब तो खा लिया और खिला भी दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में ना फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।